फैक्ट वीडियो की एडिटिंग नहीं, सिर्फ फैक्ट वीडियो की एडिटिंग नहीं, किसी भी टाइप की वीडियो हो उसे अगर एडिट करें तो ऐसे टॉप 15 सेटिंग हो जो हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो मोबाइल वीडियो एडिटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज है। ऐसे में अगर एडिटिंग के लिए राइट एप्लीकेशन चूज नहीं किया ना तो तुम एक वायरल वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाओगे। अगर तुम काइन मास्टर से एडिटिंग करते हो तो काइन मास्टर ही क्यों, VN क्यों नहीं? क्योंकि काइन मास्टर वैसे भी पेड है और बहुत सारे लोगों के मोबाइल में तो चलता भी नहीं है। इसी तरह से हर एक एप्लीकेशन के कुछ ना कुछ नखरे हैं। तो अगर तुम इन सभी में से किसी एक को चूज करोगे एडिटिंग के लिए तो तुम्हें ऐसे कौन से फीचर उसमें ढूंढना है जो एडिटिंग के लिए होना बहुत जरूरी है, यही तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जिसमें मैंने नोटिस किया था कि नंबर 3 वाला जुन्नू की टेक यूज करते थे, हाँ यूज करते थे, क्योंकि अब वो डिजिटल बोर्ड पे बनाते हैं वीडियो। इसी तरीके से 6, 9, 10 और 13 ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो मैं काइन मास्टर को एज ए रेफरेंस मानकर बता रहा हूँ, तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन होगा उससे मिला लेना तुम। तो देखो पहले मैं एडिटिंग के बाहर का सेटिंग बताऊंगा, उसके बाद मैं एडिटिंग के अंदर का सेटिंग बताऊंगा, ठीक है? तो देखो एडिटिंग के बाहर का सेटिंग ये है कि जो भी एप्लीकेशन तुम यूज करो उसका तो खुद का स्टोर होना चाहिए, मतलब ये वाला स्टोर जहाँ से तुम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे साउंड इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट, ओवरले, वीडियो क्लिप, फोटो, ये सब कुछ तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से हर एक एप्लीकेशन का अपना एक ऐसे से स्टोर होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद सेटिंग में जाना तो वहाँ पे देखना कि उसका डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे डिवाइस के हिसाब से वीडियो कितना रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट होगा, ये उसका खुद का सेटिंग होना चाहिए। जैसे कि मेरे मोबाइल के हिसाब से यहाँ पे 4K में एक्सपोर्ट हो रहा है वीडियो, ठीक है? इसी तरीके से तुम देखना कि तुम्हारे मोबाइल के कैपेबिलिटी के हिसाब से वो बता रहा है कि नहीं। अगर वो एप्लीकेशन डायरेक्ट 4K में एक्सपोर्ट कर रहा है और तुम्हारे मोबाइल में 4K सपोर्ट ही नहीं करता है तो फिर वीडियो फट जाएगी। जो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि वीडियो फट क्यों जाती है, तो उसका रीजन यही है कि मोबाइल में कम रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है और तुम लोग ज्यादा रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर देते हो इसी वजह से। तो ये सेटिंग देख लेना तुम, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट में देखना तुम ये वाला डिफॉल्ट पैन एंड जूम मोड फॉर ए फोटो क्लिप, ये वाला ऑप्शन देख लेना उसमें अवेलेबल है कि नहीं। इसका यूज क्या है वो मैं तुम्हें एडिटिंग में बताऊंगा, इसका टेंशन तुम्हें भी नहीं लो, बस इसे भी तुम्हें देख लेना है। उसके बाद उसके एडवांस सेटिंग में चलो, तो ये इसका एडवांस सेटिंग, तो इसमें तुम्हें क्या क्या चाहिए? तो देखो सबसे पहले तो ये तुम्हें चाहिए 60 FPS, ये होना चाहिए तुम्हारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। उसके बाद ये एक्सपोर्ट, ये है एक्सपोर्ट फ्रेम रेट 60 FPS, मतलब तुम्हारी वीडियो 60 FPS में एक्सपोर्ट होगी, तो ये होना चाहिए। उसके बाद ये इंपोर्ट फ्रेम रेट 240 FPS होना चाहिए, 240 नहीं तो कम से कम 180 FPS होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। ये इंपोर्ट फ्रेम रेट का मतलब ये है कि तुम कोई वीडियो ऐड करते हो एडिटिंग के लिए एज ए लेयर या एज ए वीडियो क्लिप, तो उसका FPS होना चाहिए 240 FPS या कम से कम 180 FPS, ठीक है? तो ये देख लेना, मतलब ये दोनों सेटिंग को तुम देख लेना कि ये है कि नहीं उसमें। उसके बाद ये वाला सबसे नीचे जो है अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, ये देख लेना, क्योंकि ये फैक्ट वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लेयर ऐड करना होता है कि जब तक ये ऑप्शन नहीं रहेगा अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड का, तो तुम बहुत सारी वीडियो लेयर ऐड नहीं कर सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन भी देख लेना। तो चलो अब चलते हैं एडिटिंग के अंदर। तो एडिटिंग के अंदर ये है कि कम से कम ये 3 रेजोल्यूशन तुम्हारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? 16:9, 9:16, 1:1, इससे ज्यादा हो चलेगा, लेकिन कम से कम ये 3 तो होना ही चाहिए, ये 3 नहीं रहेगा तो तुम वीडियो एडिट नहीं कर पाओगे। तो देखो अब तुम्हें एडिटिंग के अंदर देखना है कि तुम्हें क्या क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो तुम्हें यहाँ 3 ऑप्शन मिलेगा, इन तीनों से कम एक ऑप्शन तुम्हारे सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, मतलब ये ऊपर वाला कैप्चर एंड सेव, ये कम से कम होना चाहिए। अगर तीनों है तो चलेगा, तीनों नहीं है तो कम से कम ये एक होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद इस साइड में जब देखोगे ये मीडिया और फिर ये लेयर, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, ठीक है? लेयर के अंदर मीडिया, इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट, ये हैंडराइटिंग, ये सब तो होता ही है, आम बात है, ये हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये बाहर का सेटिंग हो गया। अब ये वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहे तो अभी ठीक है, नहीं तो तुम बाहर से भी वॉइस रिकॉर्ड करके ला सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ये इतना चीज हो गया, ये तो मतलब एडिटिंग के अंदर का सेटिंग था, लेकिन वीडियो क्लिप में एडिट नहीं हो रहा था। अब देखो वीडियो क्लिप की एडिटिंग में बताता हूँ, जैसे कि मैं वीडियो क्लिप पे टच करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैंने टच किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आया है। तो अब देखो इसमें तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये पैन एंड जूम, ये तुम्हारे पास होना चाहिए, ये नहीं रहेगा तो समझ लो कि तुम वीडियो बहुत बोरिंग एडिट करोगे। तो ये सबसे पहले तुम्हारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हर हाल में होना चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद देखो ये हो गया, अब जैसे तुम स्क्रॉल करोगे तो फिर ये स्पीड होना चाहिए, फिर ये वॉल्यूम इनवेलप होना चाहिए, और फिर ये सबसे लास्ट में एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ये होना चाहिए। ये 3 चीज तुम्हें इसमें होना चाहिए, ठीक है? ये सभी पॉइंट को तुम नोट कर लो कि किसमें क्या चाहिए, नहीं तो तुम भूल जाओगे, ठीक है? और ये सभी फीचर होना एडिटिंग के लिए बहुत जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ध्यान में रखना इस बात को और नोट करके रख लेना। तो ये वीडियो क्लिप हो गई, अब मैं चलो लेयर में चलता हूँ, ठीक है? तो लेयर यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसे कॉपी करके एज ए लेयर ऐड कर ले रहा हूँ। तो देखो ये हो गया लेयर, तो इस लेयर में अब तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो देखो सबसे पहले चाहिए क्रोमा की, और हाँ एक बात, क्रोमा के क्या फीचर हमेशा लेयर में ही रहेगा, ठीक है? वीडियो क्लिप में नहीं रहेगा। अगर तुम क्रोमा की वीडियो क्लिप में ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रहा है तो तुम गलत ढूंढ रहे हो, क्रोमा की हमेशा लेयर में रहता है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट में है ये क्रॉपिंग, ये होना चाहिए, फिर ये अल्फा ओपेसिटी, ये होना चाहिए, फिर एडजस्टमेंट, ये होना चाहिए, वॉल्यूम इनवेलप, इसमें भी इसकी जरूरत है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ये भी इसमें होना चाहिए। अब उसके बाद जब ये 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो ये इतने सारे ऑप्शन है, इसमें कम से कम ये ब्रिंग टू फ्रंट और ये सेंड टू बैक, ये होना चाहिए, कम से कम ये 2 होना चाहिए, और इससे ज्यादा अगर ये सारा कुछ है तो अच्छी बात है, और अगर ये सभी नहीं है तो फिर ये 2 होना चाहिए हर हाल में। अब उसके बाद नेक्स्ट में ये की फ्रेम, ये तो बहुत ही जरूरी है इसके लिए, ये तो होना ही चाहिए। अब देखो एक बात और मैं बता रहा हूँ, ये जो की फ्रेम है और उसके बाद ये जो क्रोमा की है, ये दोनों हर हाल में लेयर में ही रहेगा, ठीक है? और एक बात और सुनो, अगर तुम्हें ये मेन वाले वीडियो क्लिप में ये पैन एंड जूम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुना ये बात, नहीं तो तुम VN में चकरा जाओगे, ठीक है? क्योंकि ये VN में ऑप्शन नहीं है, मैंने खुद देखा है। तो अगर
तुम्हें मेन वीडियो क्लिप में अगर तुम्हें ये पैन एंड जूम नहीं मिल रहा है ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये की फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये की फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा है मेन वीडियो क्लिप में इस वाले में और ये पैन एंड जूम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, इसका काम ये की फ्रेम कर देगा। और उसके बाद ये लेयर के अंदर तुम्हें पैन एंड जूम नहीं मिल रहा है और सिर्फ की फ्रेम है तो ये काम चल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पैन एंड जूम या फिर ये की फ्रेम, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना जरूरी है। अगर ये दोनों में से कोई एक है तो काम चल जाएगा, दोनों है तो भी ठीक है, और नहीं है एक ही है तो एक से काम चल जाएगा। वो मैं एडिटिंग में बताऊंगा कैसे काम चलेगा, बस इतना समझ लो कि दोनों में से एक रहना चाहिए। और तुम्हारा वीन में क्या है ना कि ये वाला ऑप्शन तुम्हारा वीन में नहीं है मेन वीडियो क्लिप में और ना ही लेयर में है, तो मेन वीडियो क्लिप में पैन एंड जूम की जगह पे की फ्रेम रहेगा वीन एडिटिंग ऐप में ठीक है। तो जो लोग वहां पे जाना वो देख लेना ये चीज को। तो ये जितना भी फीचर मैंने बताया ये हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होना बहुत जरूरी है, कोई और फीचर हो या ना हो लेकिन ये सब फीचर होना बहुत जरूरी है ठीक है। तो अभी आप लोग जिस भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट करते होगे वीडियो उससे सभी फीचर को मिला लेना आप लोग ठीक है। अब मैं एक एक करके हर एक सॉफ्टवेयर के एडिटिंग के ऊपर वीडियो लाऊंगा, जैसे काइन मास्टर, वीएन, पावर डायरेक्टर, ये सब के ऊपर फुल डिटेल में वीडियो लाऊंगा। अब अगर आपका कोई अलग टॉपिक पे डिमांड होगा तो उसे कमेंट करके बता देना ठीक है। तो चलो गाइस, अब अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फिर ये वाली प्लेलिस्ट भी अच्छी लगेगी जहां पे मैंने फैक्ट क्रिएटर के लिए सब कुछ बताया है एकदम डिटेल में। तो इस पे क्लिक करो, इसके सभी वीडियो को एक एक करके वॉच कर लो।